अरबी की खेती पूरे भारत में की जाती है। अरबी के पत्तों और इसके फलों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तरफ किसान रासायनिक खेती से 2 से 3 गुना अधिक उत्पादन लेने की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें घाटा ही उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गांव कालंका के किसान रामचंद्र पटेल ने सिर्फ 18 एकड़ जमीन पर अरबी की खेती जैविक तरीके से की और 50 लाख रुपए कमा लिए। अब ये किसानों में मिसाल बन गए हैं। रामचंद्र पटेल पिछले कई सालों से अरबी की खेती पारंपरिक रूप से कर रहे हैं। पिछले 3 सालों तक इन्हें इस खेती में इतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि ये चाहते थे। इसके बाद इन्होंने तय किया है कि अब ये फसल पर रसायन का उपयोग नहीं करेंगे और पूरी तरह जैविक खेती करेंगे। इसके बाद खेत में ड्रिप पद्धति से पानी की बचत और गोबर के खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इनकी फसल कई गुना अधिक हो रही है। किसान रामचंद्र ने बताया कि इनके खेत में हर साल प्रति हेक्टेयर 350 क्विंटल अरबी निकलती है। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि इसे खरीदने के लिए अन्य राज्यों से व्यापारी आते हैं और सैंपल देकर ही पूरी फसल खरीद लेते हैं, जबकि अन्य किसानों के खेत में प्रति हेक्टेयर अधिकतम 225 से 250 क्विंटल ही उपज निकल पाती है। इन्होंने बताया कि इस बार 2520 क्विंटल 18 एकड़ जमीन में निकली थी, जो 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकी। इसके इन्हें 50,40,000 रुपए में बिकी, जबकि पिछले वर्ष दाम अधिक होने के कारण 61 लाख रुपए में उपज खरीदी थी। हालांकि इस बार भी लागत से अच्छा मूल्य प्राप्त किया है। किसान रामचंद्र इस बार से 15 एकड़ पर ही अरबी की खेती करेंगे। इनका कहना है कि किसान अगर चाहे तो परंपरा को तोड़कर खेती के अलावा बागानी में भी अच्छी आय कमा सकता है। इन्होंने 3 एकड़ में अमरूद व अनार के पौधे भी रोपे हैं। 2 साल बाद इससे भी वे खासा रुपया कमा सकते हैं। रामचंद्र पटेल का कहना है कि जिस तरह व्यक्ति को समय पर खाना व पानी की जरूरत होती है, यदि उसे समय पर ये चीजें नहीं मिले तो कुछ दिन में वह बीमार हो जाएगा। इसी तरह फसल के लिए भी समय की सबसे ज्यादा महत्वता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।